तो हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, आज जो है हम एक जगह के बारे में जानेंगे। वो जगह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर आता है, एक प्राचीन जगह। जगह का नाम जो है ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटोरी या BAT। तो दोस्तों चलिए, ये जगह की नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है इस जगह की नेशनल फ्लैग आपको नजर में आ जाएंगे। ये जगह को जो है दो देश ने अपना माना है, वो दो देश का नाम क्या है? ब्रिटेन का और 14 विदेशी टेरिटोरी के अलावा ये जगह पे जो है सबसे ज्यादा ठंड है। तो दोस्तों ये एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर एक महाद्वीप है, वो महाद्वीप के अंदर कोई भी देश नहीं है, और ये जगह का अलग एक पहचान है। वो पहचान का नाम क्या है? और ये जगह पर जो है कुछ ऐसी जगह को कुछ देश ने जो है अपना माना है, वो देश का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रजाति के पक्षी और कुछ पेड़ देखा जाता है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑलवेज सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया और बड़े स्केल पर असल में जगह जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटोरी या BAT। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर बहुत सारा देशों की जो है यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट आता है, जो प्लेन आपको देखने को मिलेगा, उस प्लेन की जो है यहाँ पर पहिया नहीं रहता है, इसके बदले में यहाँ पर और कुछ रहता है। मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो आयतन है या एरिया जो है जो ब्रिटेन ने क्लेम किया है, उसका आयतन अगर हम देखें तो दोस्तों 1.709.400 वर्ग किलोमीटर ये जगह की टोटल आयतन या एरिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, जो भारत से 11,830 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 13,030 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 12,060 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से 12,640 किलोमीटर दूर स्थित है ये जगह। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है कुछ रिसर्च सेंटर भी मौजूद है जो ब्रिटेन की है, और जो कुछ UN की है, कुछ इंटरनेशनल संस्था की भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये जगह जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर आता है, और ये जो है ब्रिटेन कुछ हिस्से को अपना माना है। हालांकि ऐसा दो देश जो ये जगह को अपना मानता है, दो देश का नाम अर्जेंटीना और चिली। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, राजधानी सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जो रिसर्च सबसे ज्यादा होता है, वो जगह का नाम जो है रोथेरा। हाँ दोस्तों, रोथेरा। भाषा की बात करें तो इंग्लिश। इसके अलावा ब्रिटेन ने ये जगह को अपना माना है यहाँ पर 1908 में। हाँ दोस्तों, 1908 में जो है ये जगह को अपना माना है। इसके अलावा ये जगह पर जो सबसे ज़्यादा ठंड है, आसपास की ब्रिटेन की 14 विदेशी अंचल से जो है ये जगह सबसे ज़्यादा ठंड है, ज़्यादातर जो है यहाँ पर बर्फ की चादर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1961 में जो है अंटार्कटिक एग्रीमेंट के साइन करने के दौरान ये जगह जो है ब्रिटेन के ऊपर अपना दावा स्थगित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो राजा है चार्ल्स थ्री, कमिश्नर जो है पाउल कैंडलर, और इस जगह के जो डिप्टी कमिश्नर जेनी रूमबेल, और मिनिस्टर जो है डेविड रूथरी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये सारे इंसान की इमेज। इसके अलावा करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग, इंटरनेट TLD की बात करें तो .KUQ+। यहाँ पर अगर हम देखिए .UK, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, यहाँ पर जो है एक एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2012 में जो है ये जगह के दक्षिणी हिस्से में जो है एक नाम रखा गया है और एक पहचान किया गया है, वो जो है एलिजाबेथ के नाम से। तो दोस्तों अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर भी मौजूद है, और यहाँ पर जो है कुछ टीम यहाँ पर मौजूद रहता है। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली और भी कुछ देश जो है ये जगह के अलग अलग हिस्से को जो है अपना माना है। ब्रिटेन के अधीन में ये टेरिटोरी स्थित है। इसके अलावा ये जगह पर जो है कुछ पहाड़ भी मौजूद है, जो बर्फ की पहाड़ आप कह सकते हो। अंटार्कटिक महादेश के अंदर जो है कुछ ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कोई नहीं रहता है, बिल्कुल सुनसान है, और अंटार्कटिका कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की जो है दो गुना। यहाँ पर कुछ ऐसा पेड़ पौधे और यहाँ पर कुछ ऐसी प्राणी को देखा जाता है जो बहुत ही दुर्लभ है। तो दोस्तों यहाँ पर मॉसी लिजनस यहाँ पर ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फ्लावर भी देखा जाता है, जो फ्लावर का नाम जो है अंटार्कटिक वेयर ग्रास, अंटार्कटिक प्लेयर आउट। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ और भी आपको यहाँ पर फ्लावर देखने को मिलेगा जो बहुत ही दुर्लभ है, आपको जहाँ तहाँ वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है पेंगुइन की 7 प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ पक्षी की प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है कुछ प्रजाति की पक्षी आपको देखने को मिलेगा जो और कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है 6 प्रजाति की यहाँ पर सेल्स आपको नजर में आ जाएंगी। इसके अलावा ब्रिटेन का जो है एक कॉमनवेल्थ ऑफिस यहाँ पर खोला गया है। यहाँ पर ब्रिटेन का नेवी जो है हर समय यहाँ पर सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करता है। इसके अलावा ब्रिटेन की एक रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। ये जगह पर जो है कह सकते हो बहुत सारे लोग आता है, और रहने के बाद जो है ये जगह का अलग एक पहचान भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ लैंड।
मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देख लीजिए कुछ रिसर्च सेंटर आपको नजर में आ जाएंगे। देखा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड है, माइनस पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जगह पर जो है कह सकते हो कुछ देश ने अपना यहाँ पर माना है कुछ हिस्से को, और वो देश का नाम जो है फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चिली, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये सारे देश ने जो है कुछ कुछ हिस्से को अपना माना है। और इसके अंदर जो है ब्रिटेन भी माना है, जो ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी पहचान दिया है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 70% पीने वाला पानी जो है यहाँ पर बर्फ से रूप यहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों बर्फ से रूप यहाँ पर स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी की जो नेशनल एंथम, जो ब्रिटेन की नेशनल एंथम आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर जो आदर्श वाक्य आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा ध्यान से देख लीजिए कैपिटल, हाँ दोस्तों यहाँ पर रोथेरा आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो राजा है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, मिनिस्टर है, उसका नाम लिख दिया हूँ, टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा यहाँ पर जो करेंसी GBP पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पर देख लीजिए दिखाने की कोशिश करूँ। पॉपुलेशन यहाँ पर जो है हर समय यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं रहता है, 250 से 300 के आसपास है, और इंडियन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 0 है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख के यहाँ पर बता दिया हूँ। तो दोस्तों हाँ दुनिया के अंदर जो है 70% पीने वाला पानी यहाँ पर जो है बर्फ के रूप यहाँ पर स्थित है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये जगह जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर आपको नजर में आ जाएंगे ये जगह। देखा तो दोस्तों ये जगह जो है ब्रिटेन का एक विदेशी टेरिटरी यहाँ पर देख लीजिए कौन सा हिस्सा, लेकिन ये हिस्से के अंदर जो है अर्जेंटीना और चिली भी जो है अपना दावा किया है। तो दोस्तों ये जगह की अलग अलग कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन कम रहता है, ज़्यादातर रिसर्च के लिए जो है कुछ यहाँ पर वैज्ञानिक को आपको देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखा हाँ दोस्तों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ये जगह एक ऐसी जगह है जो दुनिया के अंदर जो है पीने वाला पानी 70% यहाँ पर बर्फ से रूप स्थित है। अगर वो पीने वाला पानी अगर पिघल जाए तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर जो समुद्र है उस समुद्र की जो है यहाँ पर उच्चता वो जो है 60 फीट यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सिंगापुर, मालदीव, इसके अलावा मालदीव की जो राजधानी वो पहले डूबेगा। तो दोस्तों और भी कुछ देश डूब जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर सरकारी पद में रहने वाले कुछ इंसान का इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। राजा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मिनिस्टर, ये जो है डिप्टी कमिश्नर उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, जो चेनी रूमेल आपको नजर में आ जाएंगे। देखा तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है बहुत अलग अलग सरकार आपको देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों अलग अलग सरकार आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन से देश में क्या क्या सरकार और कौन कौन से देश में सेम सरकार चल रहा है, मैं जो है एक ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएगी जो इंडिया की जो कलर है उस कलर जैसा जो भी देश आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है इंडिया जैसा सरकार उस देश में चलता है। जैसे UK, ब्राज़ील, इस जगह पर जो कलर आपको देखने को मिलेगा और दुनिया के अंदर जो सारे देश आपको देखने को मिलेगा वो सारे देश के अंदर जो है वही यहाँ पर सरकार, ऐसा ही सरकार चलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया, चाइना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक ही पार्टी है जो सरकार चलाता है। तो दोस्तों ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो रंग के मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है ब्रिटेन का एक विदेशी अंचल ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी संबंधित सब कुछ। और भी देश के बारे में अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।